काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा था और उसके बाद वहाँ के पत्थर लेकर आए थे, उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंज किया। बहुत सारे आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सीधे तौर पे हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उनके टूटे हुए अवशेष आपको दिखाई देंगे। फना मूवी का जो एक सीन है वो इस जगह से लिया गया, कैप्चर किया गया। ऊपर ये कुछ भगवानों की जो फोटो है उनको थोड़ा खराब करा हुआ है, थोड़ा सा इन पत्थरों को तोड़कर। मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली के एक ऐसे पॉइंट पर आ गया हूं जो अपने आप में टूरिस्ट प्लेस के लिए तो जाना जाता है, उसी के साथ में यहां पर सन 2006 के अंदर आमिर खान की एक बहुत ज्यादा अच्छी मूवी फिल्माई गई थी, उसका एक गाने का टेक इस जगह पे लिया गया था जिसको कहा जाता है कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार के अंदर एक गाना था जो आपने सुना भी होगा कि चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, आमिर खान का बहुत फेमस गाना और काजोल के संग जो फिल्माया गया था उसका जो इनिशियली टेक है वो इस पॉइंट से लिया गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वही चबूतरा है जिस चबूतरे के आसपास में काजोल और उसकी फ्रेंड खड़ी रहती हैं और आमिर खान इस पॉइंट के पेड़ के यहाँ पे खड़ा होके उस गाने की शुरुआती कुछ शब्दों को गुनगुनाते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल उन शब्दों को और उन पॉइंट्स को कैप्चर करेंगे जहाँ से आमिर खान ने उस सीन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिया था, एक बहुत परफेक्ट शॉट। तो ये है वो वाला हिस्सा, यहाँ से देखेंगे कि वो पॉइंट कौन सा है हमारा जहाँ से वो सीन बिल्कुल होगा, बिल्कुल हूबहू मैचिंग में। हाँ वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये वही एम्बैंकमेंट बनवाया हुआ है, यानी कि चबूतरा बनवाया हुआ है और ये वो पेड़। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका बिल्कुल परफेक्ट एक कौन सा था वो। सो गाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सन 2006 के अंदर एक ऐसी मूवी आई जिस मूवी ने हमारे पूरे बॉलीवुड के अंदर एक तहलका मचा दिया था और उस मूवी के काफ़ी सारे जो सीन थे वो लिए गए थे हमारे इस पॉइंट पर, इस जगह पर। जिस मूवी का नाम आप पहले ही जान चुके हैं, फना मूवी आमिर खान की थी सन 2006 में जो रिलीज़ हुई थी। और उस गाने की जब शुरुआत होती है वो जिसमें पहली लाइन आती है ना 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 ना, तो वो जो पहली लाइन के जो शॉट है वो इसी पॉइंट से लिए गए हैं। ये है वो नीम का पेड़ और यहाँ पर वो आमिर खान कुछ इस तरीके से पोजीशन में होते हैं और जब एकदम से वो आगे आते हैं तो यहाँ से आप लोगों को पीछे का पूरा ये व्यू दिखेगा, कुछ हिस्सा आप लोगों को कुतुब मीनार का दिखेगा और उसका कुछ एक कॉर्नर पॉइंट जो आप लोग देख पा रहे हैं इस पेड़ के पत्तियों के हिसाब से, थोड़ा ये जो इसकी लीव्स हैं पेड़ की ये थोड़ा बहुत चेंज हो गई हैं समय के ड्यूरेशन के हिसाब से। लेकिन आप यहाँ पे कॉर्नर में देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, ये वीडियो जो चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये बिल्कुल सेम मैच कर सकते हैं आप लोग। इस मूवी का ये वाला जो हिस्सा है वो इसी एंगल से लिया गया था और देख सकते हैं कि छोटे से टेक के लिए उन्होंने इस पोजिशन को, इस जगह को यूज़ किया था। तो अभी यहाँ पर इसी प्रकार से काफ़ी सारे जो टेक लिए गए हैं उनको हम करेंगे अभी बहुत बारीकी से एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ से जो पेड़ वाला जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम डिट्टो मैच कर सकते हैं दोस्तों आप ये वाला हिस्सा यहाँ से, कि बिल्कुल सेम इसी पॉइंट पे खड़े होकर यहाँ पे आमिर खान ने ये वाले टेक को फिल्माया था। सो गाइज इस मूवी का जो सेकंड टेक है वो इसी पॉइंट से लिया गया है। अगर हम अच्छे तरीके से फोकस करते हैं तो आपको वीडियो के अंदर यहाँ पे इस प्रकार के पिलर दिख रहे होंगे और जो आमिर खान है वो यहाँ से इस तरीके से आगे आता है और पीछे का जो पूरे का पूरा व्यू है ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर, कि बिल्कुल सेम आपको लुक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि किस तरीके से वो जो चीज़ है वो कैप्चर की गई थी। और आमिर खान उस गाने की शुरुआती ट्यूनिंग में इस प्रकार थोड़ा आगे की तरफ मूव होता है और यहाँ से इन चीज़ों को आप बिल्कुल कर सकते हो मैच, कि किस तरीके से वो फिल्म का सीन यहाँ पर दर्शाया गया आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस फना मूवी का जो एक शॉट है वो इस पॉइंट पे भी लिया गया है, यहाँ पर आमिर खान जो है वो इस पॉइंट से एकदम से आगे की तरफ भागते हैं, कुछ इस तरीके से आते हैं और आने के बाद में वो यहीं पे रुक जाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये वाला जो सीन है, सामने जो पिलर आपको दिख रहा है और जो नीचे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है यहाँ पे कॉर्नर पे, इसमें आप मैच कर सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम कि वो टेक बिल्कुल इसी पॉइंट पे लिया गया है। यही वो पिलर है जहाँ से वो आमिर खान थोड़ा हाफ दिखाई दे रहे हैं और ये पूरे का पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये वही वाला है, सेम मैच कर सकते हैं आप। बहुत सारे आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सीधे तौर पर हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उनके टूटे हुए अवशेष आपको दिखाई देंगे।
क्योंकि आप इस पिलर के ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये बैल वगैरह जो बनाए गए हैं, कड़ी वगैरह हैं, ऊपर ये कुछ भगवानों की जो फोटो हैं उनको थोड़ा खराब करा हुआ है, थोड़ा सा इन पत्थरों को तोड़कर। इसी तरीके से पूरे का पूरा जो ये हिस्सा है आप लोगों का, ये बिल्कुल साफ सुथरा इस प्रकार से महसूस हो रहा है आपको कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को तोड़ने के बाद में वहाँ से पत्थर इकट्ठे किए गए और उन पत्थरों को फिर यहाँ पर एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया था। ये पूरे का पूरा व्यू जो आपको दिख रहा है, और ये जो इतनी सुंदर कलाकृति और ये जो नक्काशी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नक्काशी है उस समय की जो हमारे हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा तराश कर बनाई जाती थी, जो कि हमें हमारे संस्कृति से, हमारे अपने इतिहास से, अपने कल्चर से हमें सीखने को मिलता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म के आर्किटेक्चर थे वो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इन बारीक नक्काशियों को बनाया करते थे और इनको दिखाया करते थे। तो इसके बाद हम बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारा हिस्सा है यहाँ पर देखने के लिए, तो चलते हैं वहाँ पर भी। फना मूवी का एक टेक इस जगह से भी लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आमिर खान काजोल की तरफ किस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये पीछे जो पिलर आपको दिख रहा है जिसमें बैल और ये घंटी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से इन पत्थरों के ऊपर, और यहाँ से वो क्रॉस करते हैं तो सामने आपको जो एक गुंबद दिखाई दे रही होगी, वो पेड़ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फोटो में आपको पूरा प्रॉपर ग्रीनरी दिख रहा है, लेकिन अभी एक थोड़ा सा ये सूख चुका है और यहाँ पे करते करते वो इस पॉइंट पे आके अपने आप को ख़त्म कर देते हैं वो, तो लास्ट में आप लोगों को यही वो पिलर है जो दिखाई देगा आपको। दोस्तों जो पिलर आपको दिख रहा है ये हमारा जो जिस शैली पे बना हुआ है ये हिंदू कला शैली पे है ये, और ऐसा बताया जाता है कि बेसिक तरीके से ये वाले जो पिलर हैं सारे के सारे ये जिन्होंने इस जगह को बनाया कुतुब मीनार को, उन लोगों ने काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा था और उसके बाद वहाँ के पत्थर लेकर आए थे, उनको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंज किया था। तो दोस्तों फना मूवी का जो एक सीन है वो इस जगह से लिया गया, कैप्चर किया गया। यदि आप उस सॉन्ग को देखेंगे तो उसका एक जो सीन है वो यहाँ पे इस प्रकार से काजोल जो है वो अपना हाथ रखती है, उसके ऊपर आमिर खान अपना हाथ रखता है और इस पॉइंट को दिखाया गया है, और पीछे ये वाला पिलर दिख रहा होगा और इसी के साथ में पीछे पूरी कुतुब मीनार का जो हिस्सा है वो वाला दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम जो सीन आपको उस गाने के अंदर फिल्माया गया था, जो शूट किया गया था, उसका एक हिस्सा यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं और सेम टू सेम मैच हो रहा है जैसा कि हमने नीचे दिखाया हुआ, ये यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम है ये वाला हिस्सा। और अभी हम जाएंगे इसके बाकी हिस्सों में और वहाँ जाके भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें वो चीज़ें मिलती हैं। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ यार, ये जो जगह है कुतुब मीनार काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर उन छोटे छोटे सीनों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त हमें करनी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आप सभी के सपोर्ट की वजह से हम लोगों को यहाँ पर इतनी मेहनत करते समय थकान बिल्कुल नहीं होती है। तो प्लीज़ अपना प्यार इसी प्रकार से बनाते रहिए ताकि हम आपको नए नए कंटेंट प्रोवाइड करते चले जाएं, और चलेंगे बाकी पॉइंट की तरफ, वहाँ से भी करेंगे उनको बहुत बारीकी से कैप्चर और दिखाएंगे आपको सेम टू सेम वही चीज़ जो फना मूवी के अंदर की गई थी यहाँ पर शूट। सो गाइज, इस मूवी का जो सबसे प्रमुख जो एक रिदमिक साउंड चलता है जिसके अंदर आमिर खान डांस करता हुआ इसी पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा हुआ आपको लोगों को दिखेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आमिर खान अपने कुछ इस तरीके के स्टेप करके दो बार आगे पीछे होते हैं, और यहाँ से पीछे का व्यू देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार का पोर्शन आप लोगों को दिखेगा और ये सामने जो आपको ये पिलर दिख रहे हैं इस वॉल के साथ में बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को मर्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें वहाँ पर बनी हैं और दिख रही हैं आप लोगों को मूवीज़ के उस सॉन्ग के अंदर में। तो ये वाला इसका जो गाने का सबसे प्रमुख जो शॉट है वो यहीं से शुरू हुआ है और इसके बाद एक पॉइंट और बनेगा, उसको भी हम करेंगे यहाँ पर फाइनली एक्सप्लोर। सो गाइस, वहाँ पे डांस करने के बाद में आमिर खान जी जो अपना लास्ट जो शूट यहाँ से करते हैं वो इसी पॉइंट से करते हैं, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आमिर खान इस तरफ से थोड़ा सा रनिंग उसमें आते हैं और आने के बाद में रोकते हैं और रोकने के बाद में से इशारा करते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं। इस तरीके से आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कुतुब मीनार का ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है और ये वही कॉर्नर पॉइंट है जिसके साथ में वो उनको रोकते हैं और उनकी जो फ्रेंड्स वगैरह होती हैं काजोल की वो दूसरी तरफ चली जाती हैं यहाँ से। सो ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये पड़ता है हमारा दिल्ली के मेहरौली के अंदर जिसका नाम है कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के अंदर हम लोगों ने उस चीज़ को यहाँ पे कलेक्ट किया जो किए गए थे, बनाए गए थे फना मूवी के अंदर। तो हम लोगों का हर बार की तरह ये वाला व्लॉगिंग बहुत अच्छा रहा, तो हम अपनी अगली व्लॉगिंग बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के साथ में, तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और ज्ञानविक को चैनल के साथ आप इसी प्रकार का प्यार बनाए रखिए।